दीप प्रज्वलित कर रहे हैं गुरु राजा राधा रेड्डी और पंडित मधुप मुद्गल। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Natya Tarangani, I welcome you to this evening's program in Parampara Festival 2021, brought to you in collaboration with United Nations India, established 45 years ago in 1976 by Gurus Raja Radha and Kaushalya Reddy. Natya Tarangani propagates excellence in dance, and this evening's program, as you just witnessed, was inaugurated by Pandit Madhip Mudgal and Guru Raja and Radha Reddy. इस वर्ष परंपरा उत्सव दो वीकेंड्स में मनाया जा रहा है। पिछले वीकेंड में तीन जुगलबंदियाँ प्रस्तुत की गईं और आज दो जुगलबंदियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। मैं आरंभ में गुरु राजा रेड्डी और पंडित मधुप मुद्गल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ वो दो शब्द कहें। थोड़ा सा ऊंचा करना चाहिए। नमस्कारम। नाउ यू आर गोइंग टू हैव द नाट्यम एंड संगीतम फ्रॉम one family. They have become like a Gandharvas. Vinay Mudgal ji ne what a legacy chhod ke chale gaye. Wo ek Gandharva Mahavidyalaya hai, Gandharvon ka. Gandharva matlab jo hai Indralok mein jo hai devtaon ko jo gaate hain unko Gandharv kehte hain. To us tarah institution karke और उनके बच्चे भी, उनको कहा गया कि आप लोग संगीत और नाट्य के लिए डेडिकेट होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि नाट्य संगीत शास्त्राणि निर्मितानि मनीष भी तस्मात् स सर्वशास्त्रज्ञो यस्य शांतम मनस्सदा। नाट्यम संगीत वर क्रिएटेड बाय इल्यूमिनेट माइंड्स ऑफ योर एंड द एसेंस ऑफ दिस नॉलेज इज टू गिव Shantam, Anandam, and that Anandam they are giving, and you have to take that and feel with everybody. Sahrudevon ko aap wo Anand de sakte hain, apna Anandam. That is the essence of this Natyam and Sangeetam. What a dedication of this Gandhar Mahavidyalaya. Madhu Puntal ji, unke do bachche hain, dance ke liye aur music ke liye dedicated hain. I am really grateful for Madhu ji to accept and kind here, come here to give Anandam to everybody. Thank you very much. हम सब जानते हैं कि मधुप जी ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है कि संक्षेप में दो शब्दों में ही संबोधित करें। मेरी स्पीच संक्षेप में ही रहती है। ये इतना सुंदर राजा जी ने स्वागत किया, इतना भव्य ये भवन बनाया है, इतनी सुंदर एटमॉस्फेयर है, पहले से ही उसका बहुत अच्छा मन बन गया है। और इस यूनिक फेस्टिवल को उन्होंने किया एक अलग ढंग के तरीके से, आई थिंक कमेंडेबल। बस इतना ही मैं कहूँगा। इस वर्ष का परंपरा उत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की वो पहल है जो आज़ादी के 75वें वर्ष भारत की विविध जनसंख्या, समृद्ध संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाती है। हम अपने प्रायोजकों को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे स्पॉन्सर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, इनक्रेडिबल इंडिया, ONGC, गेल, PFC, IOCL, द ललित, एमिटी यूनिवर्सिटी फॉर लाइव वेबकास्ट।
आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है गायन और नृत्य की जुगलबंदी। गायन पर है सुविख्यात पंडित मधु मुद्गल और सावनी मुद्गल, और नृत्य प्रस्तुत करेंगी आरुषि मुद्गल। संगीत और कला से समृद्ध परिवार में जन्मे मधु मुद्गल जी पंडित विनय चंद्र मौदगल्य के सुपुत्र हैं। आपके विख्यात पिता आपके पहले गुरु रहे, तत्पश्चात आपने श्री वसंत ठकार और पंडित जसराज से संगीत में शिक्षा प्राप्त की। आपकी कला में निखार लाए संगीत जगत की मूर्धन्य विभूति पंडित कुमार गंधर। इन सभी महान गुरुओं से दीक्षित पंडित मधु मुद्गल ने गायकी की अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। एक दक्ष गायक, गुरु और सफल कंपोजर के रूप में आपने ख्याति अर्जित की है। आप ख्याल की संरचना पर आपने शोध किया है। आप गांधर्व महाविद्यालय दिल्ली के प्रिंसिपल हैं और आपके सक्रिय नेतृत्व में गांधर्व क्वायर को नए आयाम प्राप्त हुए हैं। एक तरह से आपने वृंदगान को एक नई परिभाषा दी है। नृत्य के लिए, अपनी संगीत रचनाओं के लिए आपने विशेष ख्याति अर्जित की है। आपने देश विदेश के सभी महत्वपूर्ण समारोहों में भाग लिया है और रसिकों को अपनी कला से मंत्रमुग्ध किया है। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें प्रमुख है पद्मश्री। आज मधुब जी के साथ गायन पर हैं उनकी बेटी और शिष्या सावनी मुद्गल। सावनी इज़ एन एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन म्यूज़िक फ्रॉम खैरागढ़ यूनिवर्सिटी। शी हैज़ ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड performing as a soloist as well as collaborating with international artists from different genres. Some of her unique collaborations include the Flamenco India project directed by the famous Spanish filmmaker Carlos Saura in Spain, a project with the Belgian band, an Indo-Brazilian project called Samvad in Brazil, France and Holland, and a special performance with the talented pianist Anil Srinivasan in the UK. She conducts regular music workshops in India and abroad. सावनी गांधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं और अब गांधर्व बाल वृंद की कंडक्टर हैं। आपने अनेक रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की हैं। गायन के साथ नृत्य पर जुगलबंदी कर रही हैं आरुषि मुद्गल। आरुषि युवा पीढ़ी की जानी मानी नृत्य ओडिसी नृत्यांगना है। आरुषि संगीत और नृत्य कला से समृद्ध परिवार में जन्मी हैं। आपकी गुरु रहीं आपकी बुआ पद्मश्री से अलंकृत विख्यात ओडिसी नृत्यांगना और गुरु विदुषी माधवी मुद्गल। शी हैज़ ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम ग्रेट माइस्ट्रोज एंड डांसर्स लाइक गुरु केलुचरण मोहापात्रा एंड श्रीमती लीला सैमसन। आरुषि इज नोन फॉर हर टेक्निकल वर्चुअसिटी एंड क्रिएटिव अप्रोच to tradition. She has performed at various prestigious festivals within India and abroad. Her quest has led Arushi to explore plural areas of creativity, both traditional and experimental. She has collaborated with eminent musicians and dancers globally. Odissi ke kshetr mein apni ullekhaniya pratibha ke liye Arushi ko anek puraskaron se sammanit kiya ja chuka hai, jisme pramukh hai संगीत नाटक एकेडमी का उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार। टुनाइट्स रिपर्टुआर कंप्राइजेस वेरियस हिंदुस्तानी म्यूजिकल फॉर्म्स सच एज ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी एंड तराना दैट आर इंटरप्रेटेड थ्रू द वोकैबुलरी ऑफ ओडिसी डांस। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपका परिचय हम संगीतकारों से करवाना चाहेंगे। खड़क सिंह जी पखावज और तबला, श्री श्रीनिवास सतपति बांसुरी, श्री गुरभेज सिंह तबला, श्री चेतन निगम हारमोनियम, खुशाल शर्मा वोकल सपोर्ट एंड तानपुरा, लाइट्स संदीप दत्ता एंड दीपिका बिश्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, सावनी मुद्गल इज ऑलरेडी ऑन द स्टेज एंड प्लीज वेलकम पंडित मधु मुद्गल।
presentation begins with Jai Ganesh, an invocation to Ganapati, the Lord of Beginnings, seeking blessings and wisdom. Different names representing various aspects of the elephant-headed Lord have been taken from the Ganesh Puran and the Mudgal Puran. The composition ends with a depiction of the joyous dance of Ganesh to the rhythmic syllables of the Mridanga. The music for the piece has been composed by Pandit Madhup Mudgal in the Dhrupad style of Hindustani music, set to Rag Multani and Chartal, a time cycle of 12 beats. Dance choreography is by Arushi Mudgal. Jai Ganesh. Thank you.
Next are two Abhinay pieces based on verses in Braj Bhasha that speak of the love between Krishna and Radha. The first piece, Dwar, begins with a playful dialogue between Radha and Krishna based on Shlesh Vakruti, where the same word conveys two different meanings. Krishna has come to Radha's home after many days. In the good-natured ritual of teasing, Radha closes the door to have Krishna knock at it repeatedly. Kholo ji kivar, says Krishna. Kohe ati ba? Who is it? Says Radha. Krishna answers, Hari nama hai hamar. It is I, Hari. But the name Hari, being also a synonym for monkey, Radha retorts, if you are a monkey, why do you come here? Should it not be the mountains that you seek, where all your brethren live? Confused, Krishna says, I am Madhava, Radhe. Madhava being another name for spring, Radha asks Krishna to go to the koil. Krishna's many names, Mohan, Ragi and others, are interpreted differently and sometimes derisively by Radha. Finally, Krishna says, Beloved, I am Ghanshyam. Radha responds, If that is so, go thou to the sky and descend as the rain. For Ghanshyam also means a dark, rain-filled cloud. Krishna starts to play on the flute. Dark clouds gather in the sky and it begins to rain. Radha is unable to contain her desire to be united with Krishna. The door at last is opened with Radha's words echoing, Eji ab to jaane na dungi. Dwar will be followed by Shyama. After blissful moments of union, Radha, as the Swadhina Patika, playfully exhorts Krishna to engage in a reversal of roles. He to wear her jewels, while she adorns herself with his. He to apply kumkum on his forehead, while she herself sports the mukut. He to show pride as a maninini, while she attempts to cajole. He to be Radha, and she the Shyam, who plays so sweetly the flute. Shyam Shyam Ratata, Pyari Aapahi Shyam Bhai. This delineates the complete merging of the aspiring personality Radha into the oversoul Krishna. So deeply is Radha immersed in her beloved that she has lost sight of her own separated self and wanders through Vrindavan, asking of all if they have seen Radha. Her sakhis, beholding this sight, can do nothing but remain silent. Music composition of Dwar is by Pandit Madhup Mutkar, and Shama's music has been composed by Savani Mutkar. Dance choreography is by Arushi Mutkar. Mm-hmm.
खोलो जी के वार्ड, खोलो जी के वार्ड, कोहे के वार्ड, कोहे के वार्ड, हरि नाम रहमान, खोलो जी के वार्ड, कोहे के वार्ड, हरि नाम रहमान, बस अंधेरा बाहर में, खोलो जी के वार्ड, कोहे के वार्ड, हरि नाम रहमान, बस अंधेरा बाहर में, मातो वाले माधव माधव, मातो वाले माधव, गोकिला के माथे भार, मातो वाले माधव, गोकिला के माथे भार, मोहनो प्यारे, तेरो मंत्र के विचार में, मोहनो प्यारे, तेरो मंत्र के विचार में, रागी हो रंगीले, जावो क्यों ना दादा पासे, रागी हो रंगीले, जावो क्यों ना दादा पासे, वो क्यों छपे जाए धस के पतार में, वो क्यों छपे जाए धस के पतार में, घन शाम Namaskar.
Gaire sa
कि हमारे बीच उपस्थित हैं भारत सरकार के माननीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल। आपसे निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें। गुरु राजा राधा रेड्डी और श्रीमती कौशल्या रेड्डी से भी निवेदन है कि आप कृपया मंच पर पधारें। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप कृपया पंडित मधुप मुद्गल जी का अभिनंदन करें इस मंच पर। अभिनंदन मधुप जी का, अभिनंदन आरुषि जी का। मैं सावनी मुद्गल जी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया अभिनंदन के लिए पधारें। अभिनंदन आरुषि जी का, आरुषि पुत्कर। मैं गुरु राजा रेड्डी जी से निवेदन करती हूँ, आप कृपया माननीय मंत्री महोदय का इस मंच पर अभिनंदन करें। आपसे निवेदन है, आप कृपया आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहें। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के बीच में मुझे मेरा कहना ज्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ जी किशन रेड्डी जी का कि उन्होंने मुझे फोन किया कि आपको इस प्रोग्राम में जाना है। तो मुझे बीकानेर जाना है, लेकिन बीच में मैं आया। बहुत ही मधुर संगीत। मैं चूंकि मैं खुद भी कलाकार हूं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है बैठना। हारमोनियम भी मुझे बजाना आता है, तबला भी मुझे बजाना आता है, गाना भी आता है, लेकिन मुझे जाना है। मैं कभी आपके गंधर्व उधर दीनदयाल पंडित दीनदयाल मार्ग पे आता हूं, तभी ये परंपरा के रूप में जो राजा रेड्डी साहब और हमारे राधा रेड्डी जी ने, और अच्छा लगा आपके वो शहनाज हुसैन की बच्ची लड़की उतर गई, क्या नाम उनका, कौशल्या। हाँ, काफ़ी अच्छा। भावना उधर है ना। तो ये सब चीज़ें जो हमारी परंपरा है, उसको हम अगर संजो के नहीं रखेंगे तो भारतीय संस्कृति महान थी, है और रहेगी, इसको हम साकार नहीं कर पाएंगे। और वाकई संस्कृति महान थी भारतीय संस्कृति। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करके फिर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, हम कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमने एक वेस्टर्न थॉट अपनाया, 1 आवर इज ए 0 आवर, कि 1 घंटा हम लाइट नहीं जलाएंगे। ये वेस्टर्न थॉट है, लेकिन भारतीय परंपरा क्या है कि पूर्णिमा के दिन हम 1 रात चांद के साथ रहे हैं और कोई लाइट नहीं जगाए हैं। ये भारतीय परंपरा है।
वेस्टर्न थॉट में हमें साल में एक घंटा मिलता है और भारतीय परंपरा में हमें साल में 12 रातें मिलती है। ये भारतीय परंपरा है, इसको क्यों नहीं अपनाए हम? लेकिन इसको भी लोगों ने ये कह दिया कि ये तो भारतीय दर्शन तो धर्म से जुड़ा है। मैं कहता हूं धर्म से जुड़ा, लेकिन उसमें साइंटिफिक पुट है। जैसे हमने चंद्रमा को मामा कहा, चंदमामा, लोग बहुत व्याख्या कर सकते हैं इसकी अलग अलग, लेकिन जो मेरी व्याख्या है या मुझे बताया मेरे गुरुओं ने कि हम चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं, कोई भारतीय महिला शादी होने के बाद जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल परिसर में जो उसका एक परिसर होता है उसमें पति, जेठ, सास, ससुर सब उसके नजदीक होते हैं, लेकिन उस परिसर के अलावा जो दूसरा परिसर होता है उसमें सबसे नजदीक कोई आदमी होता है तो वो भाई होता है भारतीय महिला का। तो पृथ्वी एक ग्रह है, प्लेनेट है, तो सबसे नजदीक कोई उपग्रह या ग्रह है तो वो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी की। पृथ्वी को हमने मां कहा, इसलिए चंद्रमा हमारा मामा हुआ, इसलिए हमारा चंद्रमा मामा हुआ। ये भारतीय परंपरा है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। बहुत बहुत क्यों ठीक नहीं लगा क्या ये, क्या बोले आप, ठीक नहीं लगा क्या? इट्स अ साइंटिफिक सर, इट्स अ साइंटिफिक। ये आप जाइए, आप देखिए उसमें पृथ्वी ग्रह और उसके सबसे नजदीक ग्रह चंद्रमा, और मां उसके सबसे नजदीक उस परिसर के बाहर भाई, और कोई हो ही नहीं सकता। उस परिसर में तो पति या कोई भी नजदीक हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, लेकिन उस परिसर के बाहर भाई। तो जब हम कहते हैं भारत हमारी मां है, पृथ्वी हमारी माता है, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी अपने लास्ट लेक्चर शिलोंग में कहा कि जीवन पृथ्वी पे ही जिया जा सकता है, इसको ही हमें ठीक रखना है। ये हमारी भारतीय परंपरा है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपका सबको, कलाकारों को, आपको भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, हम अनुग्रहित हैं कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। हमारे नाट्य तरंगनिया और हम राजा राधा रेड्डी, कौशल्या यामिनी एंड भावना रेड्डी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट अर्जुन जी, उन्होंने महाभारत में भी थे, रामायण में भी है उनका नाम है, और अब ये कलयुग में हमारी ये प्रार्थना है, ये परंपरा को, हमारे भारतीय परंपरा को बहुत आगे बढ़ाए, सारे जगत में आगे बढ़ाए, वो हमारी आपसे ये नाट्य कला को, नाट्य संगीत हमारी परंपरा है। भारत का नाम सारे विश्व में है प्राची सुधा करके, बिकॉज ऑफ नाट्यम एंड संगीतम। तो हमारी रिक्वेस्ट है मंत्री जी से, हमारी जो कला को ऊपर उठाए और प्रोत्साहन करे, और वी आर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट दैट ही इज काइंडली सो बिजी, बट ही हैज कम एंड ब्लेस्ड द आर्टिस्ट हियर। थैंक यू वेरी मच मंत्री जी, धन्यवाद। अंतिम प्रस्तुति है आइक्या। आइक्या एक्सप्लोर्स द स्टेट ऑफ वननेस थ्रू एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक एंड मूवमेंट। इट इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ म्यूजिकैलिटी इन डांस एंड ऑफ डांस इन म्यूजिक। द आर्टिस्ट्स कलेक्टिवली एम्बार्क ऑन अ हारमोनियस जर्नी वेयर म्यूजिक एंड डांस बिकम वन। म्यूजिक कंपोजिशन इज बाय पंडित मधुक मुदकल। Dance choreography is by Arushi Mudgal. I can.
Ladies and gentlemen, Pandit Madhub Mudgal, Savini Mudgal, Arushi Mudgal, Kharak Singh Ji, Srinivas Satpati Ji, Gurbhej Singh Ji, Chetan Nigam Ji, Khushal Sharma, and on light Sandeep Datta and Deepika Bisht. We'd again like to thank our sponsors, Ministry of Culture and Tourism, Incredible India, ONGC, GAIL, PFC, IOCL, The Lalit, and MIT University for live webcast. Tomorrow we have for you Jugalbandis of Mridangam and Tabla. The musicians are Dr. Thiruvarur Bhaktavatsalam and Pandit Yogesh Shamsi. At this point, we'd like to take leave of our online viewers. Thank you very much. We hope to see you again tomorrow evening at 7:30.